जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं पावन नगरी वृंदावन धाम के गोकुल धाम की नगरी पहुंची हुई बीएनबी टीम। लगातार 7 दिनों से कवरेज बीएनबी दे रही है और आज अंतिम दिन है और यह कवरेज भी मेरे ख्याल से अंतिम है। फिर कन्हैया की जब कृपा होगी तो फिर बीएनबी आपको दिखाती रहेगी और दिखाएगी। आइए उन लोगों से मिलवाते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसे गोकुल धाम में कहते हैं कि कन्हैया ने बड़ा माखन चुराया था, बड़ा गायों को खोला था, बड़ा गायों को चुराया था, क्या किया था नहीं किया था, सारी जानकारी यहाँ के लोकल स्थानीय एक साथी भी हैं उनसे हम लेते हैं। उसके बाद जो नासिक पुणे से घूमने के लिए, झारखंड रांची से जो घूमने के लिए आए हुए उन लोगों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बताइएगा क्या है यहाँ की महिमा और किस प्रकार की इस गांव का शुद्ध नाम है श्रीमद गोकुल गांव। यहाँ भगवान ने बाल लीलाएं की हैं, 11 वर्ष 52 दिन भगवान ने जितनी भी ब्रज मंडल में लीला की है वो यहीं से भगवान सभी स्थान में गए हैं। गोकुल से भगवान वृंदावन गए हैं, गोकुल से भगवान नंदगांव गए हैं, गोकुल से भगवान बरसाना गए हैं। भागवत जी के पहले अध्याय में श्लोक है, श्रीमद् गोकुल सर्वस्वम श्रीमद् गोकुल सर्वप्रथम। तो ये जो गोकुल है ये सर्वप्रथम भूमि है, यहाँ भगवान की ये क्रीड़ा स्थली है। इसी गाँव में बलराम जी महाराज का जन्म हुआ था। ये बहुत ही भगवान का ऐसा धाम है, इसको साक्षात गौलोक धाम के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए गौलोक धाम की, बोलो आज के आनंद की, बोलते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आपने कहीं भी भागवत में, गीता में, वेद में, पुराण में जितनी भी आपने कथा सुनी होंगी, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मामा कंस के आनंद हुआ। आनंद सिर्फ नंद के घर हुआ, आनंद में साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ही आनंद है। और हम जो सब सनातनी है, हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा जो स्वरूप है वो भी एक आनंद है। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो मथुरा को जन्म हुआ है और इस भूमि में भगवान बाल अवस्था में आए हैं, तो यहाँ भगवान का पालन और पोषण हुआ है। हाथी घोड़ा पाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मिलते हैं फिर आपसे यहाँ पर, और दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बीएनबी की टीम मौजूद है गोकुल धाम में, बताइएगा कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल भी तो आप लोगों से मुलाकात हुई। जी जी, कल हम नंद भवन में गए थे, वहाँ भी काफी अच्छा लगा। और यहाँ तो जिस जगह पर जाओ तो उत्सुकता और प्रसन्नता बढ़ती ही जाती है, हर जगह खुशी ही खुशी मिलती है और बहुत सुकून मिलता है कि हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावन भूमि में आए हैं। कल आपने एक बहुत अच्छी बात बोला था, दर्शकों को, दो लोगों ने काफी पसंद किया है कि जो भी गोकुल धाम वृंदावन और नंदगांव पहुंचे तो क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा एक बार राधा बनना चाहिए। जो भी लड़कियां हैं प्लीज आप लोग अपने आप को राधा ही समझें और राधा ही रहें और अपने कन्हैया से राधा की तरह प्यार करें। और प्लीज मैं फिर से आज फिर से बोलूंगी, नो ब्रेकअप ओनली लव, लेट लव बी इन द एयर। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, बीएनबी ने साथ ही साथ हमारा बहुत ही, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे क्या बोल सकते हैं, हमने जो महसूस किया, जो हमें अच्छा लगा वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बीएनबी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे धार्मिक स्थल पर उनका पहुंचना और ताकि जनता को भी पता चले और बहुत से बहुत लोग यहाँ आकर इस स्थान का आनंद ले। थैंक यू बीएनबी कि आप लोगों ने की जय हो। आप लोगों की जय हो। तो देख सकते हैं लोगों में खुशी और उमंग काफी है, रांची झारखंड से भी आई हुई है, यहाँ पर उन लोगों से भी बात करते हैं। और आज यह अंतिम यात्रा मेरे ख्याल से लोगों का होगा इस धर्म अध्यात्म का, उसके बाद फिर अगले साल की जाएगी, उनसे भी बात करते हैं कैसा फील की है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए। जी बताएंगे। जी सबों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर हम लोग गोकुल धाम जो है पधारे हुए हैं और गोकुल धाम में श्री कृष्ण जो है सो यहाँ पे 11 साल 1 महीने 22 दिन रहे हैं। तो यहाँ पर गोकुल धाम में कृष्ण भगवान की लीलाएं, मट्टी जो कृष्ण भगवान खाए थे वही वो धाम है। यहाँ पर बलराम जी का भी जन्म यहीं हुआ था। तो यहाँ पे दोनों भाइयों का जो जन्म स्थान है और लीलाएं जो की हैं, हम लोगों को देख करके बहुत ही आनंदमय हुए हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, भक्ति भाव के प्रति और ज़्यादा जागृत हुआ है हम लोग के मन में यहाँ पर आ करके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक मिनट, जय श्री कृष्ण। एक गीत और भजन हो जाए आप लोगों के सामूहिक रूप से तो कार्यक्रम में और लोग दर्शक भी बड़ा आनंद हो जाएंगे। चाहे भजन आप लोग अपनी पसंद की करें या अपनी पसंद की करें। देखिए रांची झारखंड से जो आई है शायद वो भी अपना एक भजन, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि ये भजन एक सुना दें और या आप लोग भी सुना दें, दोनों दो भजन सुना।
यहाँ से कहाँ से? इंदौर से। देखिए रांची की भी टीम आई है, मतलब झारखंड से। आप लोग एमपी से हो? एमपी से यहाँ झारखंड की भी टीम पहुँची हुई है, वो भी अपने तरफ से एक भजन प्रस्तुत कर रही है। देखें शायद उनमें से और आइए, आप लोग भी आइए। जय कृष्णा राधे राधे। हम लोग कृष्ण भगवान का ही और राधा रानी का ही भजन गाने के लिए जा रहे हैं। तुमको जो देखे वो तेरे ही हो जाते हैं, प्यारी प्यारी सूरत में तेरी खो जाते हैं। तुमको जो देखे वो तेरे ही हो जाते हैं, प्यारी प्यारी सूरत में तेरी खो जाते हैं। प्यारी का लाइनों में दिखती है छवि श्याम की, दुनिया दीवानी है राधा पीछे मुरली बजाता है। काली नैनों में छवि दिखती है श्याम की, काली नैनों में छवि दिखती है श्याम की, दुनिया दीवानी है राधा तेरे नाम की, दुनिया दीवानी है राधा तेरे नाम की। जय हो। तो देख सकते हैं कि आनंद ही आनंद है गोकुल धाम में, और आखिर आनंद क्यों ना हो, क्योंकि जगत के पालनहार कन्हैया यहाँ पर बड़ा ही आनंद लिए हैं। तो जो यहाँ आएंगे उनको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। आज इस पावन बेला पर यहाँ पर बीएनबी की टीम पहुँची हुई है, लगातार आप लोगों को दिखाती जा रही है। जानकारी दे दें कि यहाँ तक बीएनबी टीम पहुँचने में केंद्रीय सचिव जो आयसू के अर्जुन बैठा, डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश मंडल, राम प्रसाद यादव प्रमुख समेत कई लोगों का अहम भूमिका है। शबों को आभार बीएनबी की ओर से, ढेर सारा प्यार। और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के पावन त्यौहार की, और बीएनबी का भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन। जो ब्रजमंडल में आए, इनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है ऐसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये धर्म को बढ़ा रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की रक्षा हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है भाई, राधे राधे। राधे राधे। ठीक, राधे राधे। श्रीमद् भागवत को जय हो। जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को भी, और निश्चित रूप से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।